हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज की 38 इंच चेस्ट की चौड़ाई की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके आप लोग को दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसको डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद पहले हम इसकी लेंथ की लंबाई लेंगे। ठीक है, तो लंबाई लेने के लिए पहले हम इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद इसको हम पहले इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम बैक साइड की 16 इंच लंबाई ले रहे हैं और फ्रंट साइड की 16.5 इंच लंबाई लेंगे। ठीक है, आधा एक इंच एक्स्ट्रा हमें लेनी होती है फ्रंट की आगे की। ठीक है, तो बैक साइड हम 16 इंच लेते हैं। 16 इंच लेने के बाद मैं 6.5 इंच का तीरा ले लेती हूँ और आर्मोल भी 6.5 इंच का ले ले रही हूँ। 6.5 इंच का लेने के बाद फिर इस लाइन को मैं अच्छे से ड्रॉ कर दूँगी, पूरी लाइन को जहाँ तक ले मैंने कपड़े को मोड़ रखा है। और उसके बाद 9.5 इंच का मैं यहाँ पे निशान दे दूँगी, सिलाई लाइन का निशान देने के बाद मैं इसको इस तरीके से इसकी गोलाई को मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा पीछे का साइड की ड्राफ्टिंग हो चुकी हैगी। और टक्स पॉइंट को मैं इसी टाइम 4 इंच की टक्स पॉइंट मैं दे दूँगी दोनों साइड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। और टक्स पॉइंट होने के बाद हम इसकी पहले कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कैंची की हेल्प से इसको कट करके, जैसे जैसे मैंने ड्राफ्टिंग कर रखी वैसे वैसे मैं कट करके निकाल दूँगी। मैं एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कट करके निकालूँगी। अब आगे हमारी फ्रंट पार्ट आगे की कटिंग की बारी। तो इस तरीके से हम इसको जितना लिया था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच मैंने ले लिया है दोनों साइड तीरा और आर्मो। उसके बाद लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया, 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। लाइनिंग सिलाई लाइन पे मैं निशान लगा देती हूँ। उसके बाद मैं गोलाई को शेप दे दूँगी। ठीक है, गोलाई को शेप देने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ी सी गोलाई मैं अंदर से ले लूँगी, 0.5 इंच की गोलाई। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो इस तरीके से आगे की गोलाई थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा कटती है। ठीक है, तो आधे इंच की गोलाई मैंने अंदर कर ली है। अंदर करने के बाद मैं 3 इंच की चौड़ाई ले ली हूँ। ठीक है, और चौड़ाई लेने के बाद मैं गले की 7 इंच की लंबाई ले लेती हूँ। और 7 इंच की लंबाई लेने के बाद मैं इसकी गोलाई को अच्छे से कट कर दूँगी। गोलाई को अच्छे से कट करने के बाद फिर मैं 12.5 इंच पे मैं बेल्ट का निशान दे दूँगी। ठीक है, 12.5 इंच पे बेल्ट का निशान देने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी। ड्रॉ करने के बाद हम 1 इंच साइड से थोड़ा सा मोड़ देंगे 1 इंच तिरछा ले लेंगे। ठीक है, और तिरछा लेने के बाद कुछ इस तरीके से स्केल की हेल्प से और या तो हाथ की हेल्प से किस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा कॉर्नर इसको वी शेप में दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे बेल्ट का कॉर्नर बन चुका हैगा। ठीक है, तो बेल्ट हमारा ये अलग निकल जाएगा और ब्लाउज का ऊपर का पार्ट हमारा अलग निकल जाएगा। अब आ गई फ्रेंड्स टक्स पॉइंट की बारी। तो टक्स पॉइंट के लिए हम बीच में सेंटर लेंगे। सेंटर से लेने के बाद हम 9.5 इंच का टक्स पॉइंट देंगे। यहाँ से साइड से 2.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, 2.5 इंच लेने के बाद नीचे से हम 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच लेने के बाद साइड से हम फिर साइड से ले लेंगे, 3.5 इंच साइड से ले लेंगे। इस तरीके से कुछ टक्स पॉइंट लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम इधर ऊपर से भी हम 2 इंच का टक्स पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टक्स पॉइंट कंप्लीट हो गया है। तो बेल्ट वाले ब्लाउज की इस तरीके से अगर ड्राफ्टिंग करके कटिंग करते तो आपका बेल्ट ब्लाउज बहुत अच्छा से कट के निकल जाता। तो पहले मैं इसको कट कर दूँगी और कट करने के बाद मैं मेरा जो ब्लाउज का पीस है उन दोनों को मैं रख के और दोनों को मैं कट करके निकाल दूँगी और फिर हम अपनी बाजू को निकाल लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये कट हो चुका है। अब मैं ब्लाउज के कपड़े को रख के अपना डबल करके और इसको भी कटिंग करके मैं निकाल लूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरी कटिंग करने का तरीका समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एम्ब्रॉयडरी वाला हैगा तो इसी पे रख के मैं कट करके निकाल दूँगी। आगे का पार्ट हैगा तो आगे के पार्ट को पहले निकाल लूँगी और फिर पीछे के पार्ट को निकाल लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने पार्ट को कट करके निकाल लूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, मेरा समझाने का तरीका समझ में आएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं हमेशा कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो लेके आती हूँ, डिज़ाइनिंग के वीडियो लेके आती हूँ, प्रिंसेस कट के वीडियो लेके आती हूँ। आप लोग को जिस तरीके के वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएगा, मैं उसी तरीके का वीडियो लेके आऊँगी। तो इस तरीके से हमारे कटिंग का वीडियो कम्प्लीट हो चुका हैगा और ये हम आगे का पार्ट भी कट करके निकाल लेंगे। और कट करके निकालने के बाद हम इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब बाजू हम कट करके वो कर देंगे।
तो बाय बाय फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में।